नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज। कल रात को ही कांग्रेस कमेटी के द्वारा मध्य प्रदेश की दूसरी सूची जारी करी। दूसरी सूची जारी करते ही बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा मच गया, विरोध शुरू हो गया। क्योंकि पिछली बार यहाँ पर जो विधायक थे ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेहरा, जो निर्दलीय थे, लेकिन उनको टिकट देने के कारण जो यहाँ की कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस के पार्षदों द्वारा आज बड़े पैमाने पर जो नगर निगम द्वारा निर्वाचित पार्षद है, 23 पार्षदों ने सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से इस्तीफा दे दिया और सौंप दिया, जिसमें हमीद काजी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व MLA रविंद्र महाजन और प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी के हाथों उनको उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। और इस बात को लेकर सौंप पाए कि अगर हाईकमान ने बुरहानपुर विधानसभा पर ये सीट पर पूर्ण विचार नहीं किया और प्रत्याशी नहीं बदला तो वो कार्यकर्ता विरोध में काम करेंगे, वो नहीं काम करेंगे। ये और विरोध जारी है, क्योंकि अगर ये पूरा जो है मामला बड़ा ये इस बात को हम देखें तो यहाँ पे जो जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो ठाकुर सुरेंद्र सिंह थे, जो पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को हराकर यहाँ जीते थे पिछली बार। लेकिन इस बार वो निर्दलीय थे उस समय, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है और काफ़ी विरोध शुरू हो चुका है। और विरोध को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा और नेताओं द्वारा पार्षदों द्वारा विरोध जताया जा रहा। कल रात में भी बड़े पैमाने पर उनका विरोध शुरू हुआ था। आइए देखते हैं उन नेताओं ने क्या कहा। कि हम 23 पार्षद, बुरहानपुर में कुछ 48 वार्ड है, 48 पार्षद है, 48 पार्षद में से मात्र 23 पार्षद ही कांग्रेस के हैं और वो 23 के 23 पूरे कांग्रेसी पार्षद आज यहाँ इस्तीफा देने के लिए उपस्थित हुए। नगर निगम में 23 कांग्रेस के पार्षद थे और पूरे पार्षद साथियों ने, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी ने इस बात को लेकर इस्तीफा दिया है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसने सबसे पहले कांग्रेस सरकार गिराने में अग्रिम भूमिका निभाई थी, जो राज्यसभा में कांग्रेस का साथ नहीं था, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था और 1.5 साल के नगर निगम के कार्यकाल में एक भी किसी पार्षद के लिए काम करने का काम नहीं किया। तो जो जनभावनाओं के साथ जनता ने जिताया था कि ये कांग्रेस समर्थित धर्मनिरपेक्ष के साथ रहेंगे, तो इन्होंने जो भाजपा को सहयोग किया है उससे दुखी होकर हमारे पार्षद साथियों ने इस्तीफा दिया है। और हम हमारे सम्माननीय हाईकमान को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को निवेदन करेंगे कि पार्षद साथियों का जो गुस्सा है, जो इस्तीफा है, इसको आप देखते हुए बुरहानपुर को भी पुनर्विचार करें और बुरहानपुर की जनता के लिए, बुरहानपुर के हित में निर्णय बदले और यहाँ पर उम्मीदवार बदलने काम करें। अगली रणनीति क्या होगी कांग्रेस की आपकी? अभी तो अब हमारी तो सभी पार्षदों से निवेदन है कि अभी हम हमारी बात को, इनकी सबकी बात को हमारे हाईकमान तक देंगे और हाईकमान पे ये पूरा विश्वास है कि इतने सारे पार्षद, इतने जनप्रतिनिधियों की बात को खाली नहीं करेंगे और बुरहानपुर से अल्पसंख्यक का टिकट जरूर करेंगे। भैया, इस्तीफा केवल पार्षदों ने दिया, आप लोग पदाधिकारियों के, आप लोग नाराज नहीं हो? नाराजगी अपनी जगह है, नाराजगी हमने हमारे वरिष्ठ नेताओं को बताई है। अभी पार्षद साथियों ने इस्तीफा दिया है तो अभी तो हम इन्हीं को पहले समझा कर बात करेंगे और निवेदन करेंगे हाईकमान से भी कि वो भी हमारी बात को माने और यहाँ उम्मीदवार चेंज करें। इसके सभी पार्षद भाइयों ने आज, हम तीनों जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व विधायक रवीन महाजन, प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी और मैं, हमारे पास इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। बड़े दुख के बाद इन्होंने इस्तीफा सौंपा है कि बुरहानपुर अल्पसंख्यक शहर था, बहुसंख्यक भाइयों की मांग थी कि अल्पसंख्यक को ही टिकट दिया जाए, दोनों समाज के लोगों ने मांग की थी, पार्टी हाईकमान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम पार्टी हाईकमान को इसके बाद अवगत कराएंगे और जल्दी से जल्दी पार्टी हाईकमान से कहेंगे कि इस पर पुनः विचार कर निर्णय ले। इसके पहले की जो लिस्ट आई थी उसमें 3 लोगों पे विचार किया गया और नाम बदले गए। हमको उम्मीद है पार्टी हाईकमान से कि ये नाम पे विचार करके फिर उम्मीदवार नया घोषित किए करे। हम पार्टी हाईकमान से ये मांग करते हैं। जी सर, कल कांग्रेस की जो 28 विधायकों की सूची आई उसमें हमने शुरू से इस संगठन के माध्यम से और हमारे सब जितने भी वरिष्ठ लोग हैं पार्षदों के जरिए हमने अल्पसंख्यक उम्मीदवार की डिमांड किए थे, जिसमें हमारे डॉक्टर फरीद काजी, नूरुद्दीन काजी और हमारे रफीक भाई, इनका नाम था। हमारी मांग ये थी कि चूँकि हमारे यहाँ पे 100 लाख मुस्लिम मतदाता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ पे माइनॉरिटी का उम्मीदवार दिया जाए, लेकिन पार्टी ने एक निर्दलीय विधायक को उम्मीदवार बना दी। तो आज हमारे सभी साथी पार्षदों ने ये तय करे कि चूंकि जब हमारी मांग नहीं मानी जा रही है तो कांग्रेस में रह के कोई औचित्य नहीं रह गया है, इसलिए हमने आज हमीद भाई जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, रविंद्र महाजन पूर्व विधायक है, अजय रघुवंशी प्रदेश महासचिव है, उनके माध्यम से राष्ट्रीय सचिव को हमने हमारे सभी 23 पार्षदों का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से उनको सौंप दिया है।